गुड इवनिंग। आज हम लोग ज्योग्राफी के विषय में चर्चा करेंगे और ज्योग्राफी प्री और कम प्री कमेंस दोनों को देखेंगे किस तरह से इसकी तैयारी की जाए ताकि प्रीलिम्स में भी ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँ और मेंस में भी उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएँ। देखो ज्योग्राफी मेनली बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है इट इज़ अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एज अ साइंस नॉट लाइक आर्ट। तो अगर इसको हम साइंटिफिक रूप से लेते हैं तो चीज़ें जो हैं ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन का जो आपका इसका रेशियो रहता है तो आप देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इसका बहुत अच्छा जो है एक सेगमेंट कवर करता है। ये प्रीलिम्स का अगर हम यूपीएससी को देखेंगे तो अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में ज्योग्राफी से आते हैं। और 20 से 25 क्वेश्चन को भी अगर हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं तो हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट मैथ बेस्ड होते हैं, एटलस बेस्ड। एटलस बेस्ड मतलब कि कुछ किताबें आती हैं एटलस की, जैसे ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, जो हमारी संस्था सजेस्ट भी करती है और आप लोगों को प्रोवाइड भी करवाएगी। तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को अगर हम साथ में लेके चलते हैं तो अराउंड 40 से 50% क्वेश्चन आपको केवल इसी मैथ पे आते हैं, इसी के बेस पर आते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं मैथ में उसमें अब यह है कि कुछ क्लासिफिकेशन पाया जाता है, जैसे आपको पूछ देगा फिजिकल पार्ट से, जैसे मान लीजिए कि उसने पूछा कि कंटिनेंट में कौन से डिजर्ट कहाँ लोकेटेड है। एक तरफ आपको हो सकता है कि डिजर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए और दूसरा उसको मैच करने के लिए दे दिया जाए कि कहाँ पे किस तरह का डिजर्ट जो है फॉर्मेशन होता है। सपोज अगर ये नॉर्थ अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका के इस अटाकामा डिजर्ट के बारे में एक मैच द लिस्ट का क्वेश्चन बन जाए, या हो सकता है साउथ अमेरिका के सोनोरन या मोजेब डिजर्ट से कुछ क्वेश्चन बने और वहाँ लिस्ट 1 या लिस्ट 2 के आधार पर कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड बना दे। तो देखिए ये एक तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है जो लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे और वो सॉल्व हो जाएगा। आप किसी भी स्टेट पीसीएस का या इवन सीडीएस का, एनडीए का या यूपीएससी अपने देखेंगे एग्जाम उसका, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत सरल होते हैं। मैप का आपने जितना अच्छे से उसको देखा है, उसको ऑब्जर्व किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन यू कैन इजीली टैकल दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इसको हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, बहुत इजी वे में इसको सॉल्व किया जा सकता है। हाँ ये तरीका ये होगा कि मैप को आप जो है ऐसा नहीं है कि एक ही बार उठाए और पूरा एटलस जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना शुरू कर दिए, बल्कि अब आपको भी उसमें सेक्शनल जाना पड़ता है। जैसे जब हम किसी एरिया के फिजिकल फीचर को देख रहे हैं तो फिजिकल फीचर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर फिजिकल रिलीफ, सेकेंड ऑर्डर फिजिकल रिलीफ, एंड यू हैव टू प्रिपेयर रिलीफ फीचर इन अकॉर्डेंस विथ देयर इम्पोर्टेंस एंड इवोल्यूशन। जैसे मान लीजिए अगर हम इस साउथ अमेरिका को देखते हैं तो यहाँ पे आप अगर एंडीज माउंटेन को पहली बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये एक आपको पता चल गया कि इस पूरे पार्ट का जो लार्जेस्ट और कहें तो मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन एरिया जो है वो एंडीज माउंटेन है। अब देखिए केवल एंडीज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस एंडीज में जो इसके माउंटेन पिक्स आते हैं जिससे क्वेश्चन बार बार बनते हैं, जैसे कोटोपैक्सी, जैसे चिम्बाराजो, जैसे अकांका गुआ या ओजोस डेल सलाडो वगैरह जो हैं, इनके बारे में अगर केवल मैप पे ही अगर इसको एक बार देखते हैं तो ये पता चलेगा कि ये किस तरह से पूरा एक चेन के रूप में नॉर्थ से साउथ के रूप साउथ में एक्सटेंसिव है, इनका एक्सटेंशन दिखाई पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम अभी इसके फॉर्मेशन को ना देखें और केवल आइडेंटिफाई करें लोकेशन को तो फिर इसके तुरंत बाद कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके ईस्टर्न पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा फिर प्लेन वगैरह दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग पंपाज, ग्रान चाको या लानोस या कैंपोस के रूप में देखेंगे एटलस पर लिखा हुआ रहता है। अब देखिए उसमें क्या है कि ये क्वेश्चन भी बार बार बनता है कि मैच द लिस्ट में दो तरह से आ जाएगा, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एंड यू हैव टू मैच द सब्जेक्ट फ्रॉम 1 लिस्ट टू अनदर लिस्ट। और इसमें केवल ये ग्रास लैंड को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे कौन सा लोकेटेड है। एक पार्ट मान लीजिए ब्राजील का कोई उठा के कैंपोज दे दिया,
वही ड्रैकन्सबर्ग जो विल्ड है अफ्रीका का, विल्ड का आ गया अगर ड्रैकन्सबर्ग के पीछे का पार्ट, तो वहां से आ सकता है कि वो किस कंटिनेंट में है, या इसी तरह से स्टेपी या फिर प्रेरी के बारे में पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के आपको सेकेंड ऑर्डर रिलीफ भी पता है, इसके बाद रिलीफ के साथ में जो नदियां हैं, रिवर का जो फ्लो हो रहा है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से मैप को ऑर्डर के हिसाब से देखें अगर, और चीज़ों को अगर कहो तो एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, तो मैप जल्दी याद भी हो जाएगा, और ये 40 से 50% क्वेश्चन जो है ये कहीं नहीं जाने वाला है, बस इसको उसी तरीके से देखना है। मैप में लोगों के साथ कई बार देखेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, मैप में जो है इसके अलावा क्या डाटा चाहिए सर, या कौन सा रेफरेंस बुक पढ़ना है। तो देखो, बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं मैप के, वो केवल उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन पे बेस्ड होते हैं, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसका या अदर एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग दूसरे सेक्शन ज्योग्राफी के आते हैं उससे कोरिलेट करते हैं। जब एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं तो वो चीज़ें क्लेरिफाई हो जाती हैं कि व्हाट इज़ द ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सच लोकेशन। तो यहाँ मैप की जब तैयारी करेंगे तो दोनों चीज़ों को देखेंगे, एक जो है हमारा फिजिकल तैयार होना चाहिए, और सेकेंड पार्ट में इसका पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में देखो क्या करना पड़ता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्ट कब उसका इम्पोर्टेंस होता है और कब नहीं होता है, क्वेश्चन इससे भी बनता है। जैसे देखिए, सबसे पहली बात, जो कुछ बड़े देश हैं उनके कुछ जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं उनका इम्पोर्टेंस सब दिन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूएसए की बात करें, अमेरिका की, तो वो हमेशा जो है वाशिंगटन डीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, या डिट्रॉयट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, सैन फ्रांसिस्को से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को के बारे में पूछा गया किस पार्ट में लोकेटेड है, या वाशिंगटन डीसी को अगर हम देखेंगे तो वाशिंगटन डीसी किस रिवर पे जो है वो किस रिवर के शोर पे या कोस्ट पे लोकेटेड है। तो ये सारी चीज़ें उसके इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चन बनना है ही। दूसरा पॉलिटिकल का फीचर है, वो है करेंट बेस्ड। अभी देखिए, जैसे कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, वो हमारे इस बार के जो रिपब्लिक डे थे उसके चीफ गेस्ट थे। तो इट मे बी पॉसिबल दैट यूपीएससी विल आस्क एनी क्वेश्चन एसोसिएटेड विथ ब्राज़ील और इट्स एनी इम्पोर्टेंट सिटी। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी मे आस्क, यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है सेंटोस कोस्ट, सेंटोस, यहाँ पे साओ पालो के नीचे, ये साओ पाउलो है और यहाँ पे सेंटोस। अब सेंटोस जो है ब्राज़ील का एक बहुत फेमस पोर्ट है, और इट इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी ट्रांसपोर्टेशन। तो अब ये कॉफ़ी से रिलेटेड है, और ब्राज़ील के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो अभी आए हैं, तो इसका एक देखो करंट से भी ये जुड़ता है कि आखिर ब्राज़ील से आए हैं तो आप सिविल सेवा की तैयारी में जा रहे हो, सिविल सेवक बनने जा रहे हो, तो चीफ गेस्ट के जो भी उनका होम टाउन है उसके बारे में, या उनका होम कंट्री है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से देखो, तैयारी में जब मैप के पॉलिटिकल पार्ट को करेंगे, देन यू हैव टू प्रिपेयर नॉट ओनली ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बट ऑल्सो द लोकेशन विच आर इन न्यूज। अगर न्यूज वाले लोकेशन को भी तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि आपने पूरे अच्छे से इसके मैपिंग को तैयार किया है। यहाँ पे न्यूज वाला जो तैयार होगा, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा करेंट के साथ, कि अगर आप पढ़ रहे हैं एटलस का, तो एटलस में आपने उसका कैपिटल देखा, आपने उसके इम्पोर्टेंट प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद जब भी आप कोई, मान लो आपने कोई मंथली मैगजीन खरीदा और उसमें कोई नया लोकेशन आ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक लोकेशन है डुकम, DUQM। अब देखिए, ये डुकम, ये प्लेस अब एटलस में नहीं मिलेगा, लेकिन ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो यूपीएससी विल आस्क क्वेश्चन अबाउट दिस प्लेस, तो आज पूछे या कल पूछे, वो आज ना कल इस पे क्वेश्चन बनेगा। वैसे ये ओमान का एक पोर्ट है जिसको इंडिया इज गोइंग टू डेवलप एज अ नेवल बेस, तो इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। अब दूसरा सेक्शन लेते हैं कि भाई, यहाँ पे 40 से 50% तो कवर हो जाएगा, रिमेनिंग जो बच गए हमारे लगभग 50%, वो कैसे कवर होंगे। तो देखिए,
रिमेनिंग भी ज्योग्राफी जो है एक इंटरेस्टिंग, मैं पहले ही बोला साइंटिफिक सब्जेक्ट है, जितना इसके साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा ये इंटरेस्ट पैदा करता जाएगा। तो यहाँ पे इसको बहुत चैलेंज नहीं लेना है, बल्कि ये खेल खेल में तैयार हो जाएगा। और उसको हम लोग दो पार्ट में अगर देखें, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड और एक इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें भी दो पार्ट आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट इसका होता है उसको कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और एक फिजिकल ज्योग्राफी जो है इसमें तीन चार सेक्शन है जहाँ से बराबर क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का एक सेक्शन है, जियोमॉर्फोलॉजी में आपको कुछ बेसिक बातें पढ़नी होती हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है उसमें। जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ, लेयरिक सिस्टम ऑफ अर्थ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वोल्केनो है। देखो वोल्केनो वगैरह से हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं। अब क्वेश्चन जो बन रहे हैं उसके दो डायमेंशन है, एक तो वोल्केनो का जो फॉर्मेशन हो रहा है इससे रिलेटेड है, और दूसरा वोल्केनो के एग्जाम्पल्स। जैसे अभी एक आपने मैक्सिको में एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, पोपो कैपिटल। अब ये पोपो कैपिटल जो इरप्शन हुआ है ये पूरे साल न्यूज में रहा है, तो इट मे बी इसकी प्रोबेबिलिटी है, इट इज प्रोबेबल दैट यूपीएससी गोइंग टू आस्क क्वेश्चन ओवर दिस काइंड दिस वोल्केनो। उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है क्लाइमेट, जो क्लाइमेट भी बहुत वाइटल इंपोर्टेंस रखता है। क्लाइमेट में आपको जैसे विंड क्या है, लोकल विंड में, विंड से ही एक दूसरा सेक्शन जुड़ता है लोकल विंड। लोकल विंड से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछे ब्लिजार्ड कहाँ पे फ्लो हो रहा है, कारा बुरान कहाँ पे चल रहा है, डॉक्टर विंड किसको कहा जाता है। तो ये सारे सेक्शन आपको इस क्लाइमेटोलॉजी से कवर करने पड़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में बहुत सारे, जैसे जेट के बारे में पढ़ना है, जैसे मानसून के बारे में पढ़ना है, इवन आपको पढ़ना है टेम्परेचर इन्वर्जन जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को। तो ये सारे टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी से आते हैं। इनसे देखो स्टेट में आमतौर पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछता है, लेकिन जब यूपीएससी की बात करेंगे तो यूपीएससी इस टॉपिक के डेप्थ में जाता है। तो डेप्थ में जाने का मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई रिसर्च वर्क मांग रहा है वो, बल्कि ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, किसी चीज़ को आप कैसे समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कहे कि भाई विंड का सर्कुलेशन, तो देखो यूपीएससी के साथ क्या है कि वो ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन। जैसे विंड से ही क्वेश्चन बना दे कि विंड जो है कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, या प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहाँ कॉन्सेप्ट बनाना होगा कि जहाँ ज़्यादा होगा वहीं से कम की ओर जाएगा। तो विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इसी से सारा कहानी विंड का जुड़ा हुआ है। मान लो जैसे हम कहते हैं कि कहीं पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर का मतलब कि अर्थ के अपर पार्ट पे, इस पार्ट पे जो विंड का कंसंट्रेशन है, जो उसकी क्वांटिटी है वो कम हो गई है। प्रेशर मतलब ऊपर से दिया गया दबाव या फोर्स। अब जैसे ही वो कम हो गया, मतलब ये पार्ट जो है वैक्यूम हो गया, और इसको फुलफिल करने के लिए अदर पार्ट से जो रिलेटिवली हाई प्रेशर जोन में है वहां से विंड फ्लो होता है, और इस तरह से विंड का सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, जो फाइनली आपका जो है वो विंड के रूप में दिखाई पड़ता है। तो बहुत ही इजी है, इसी वे में सारे लोकल विंड फ्लो करते हैं, इवन हमारा मानसून का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। अब आगे चलते हैं ओशनोग्राफी में। ओशनोग्राफी में भी चार पांच सेक्शन आपको पढ़ने होते हैं। जैसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं ओशनोग्राफी से, और वो है पहला ओशियनिक करंट। ओशियनिक करंट से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ओरिजिन ऑफ ओशियनिक करंट, वेरियस फैक्टर। एक्चुअली इसमें जो है मोर देन 20 फैक्टर इन्वॉल्व इन द ओरिजिन ऑफ ओशियनिक करंट। और दूसरा 20 फैक्टर के साथ ही जो बड़ा फैक्टर काम करता है वो है, बड़ा क्वेश्चन जो बनता है वो है इसके अलग अलग टाइप। जैसे कहीं पे इसका नाम देखेंगे तो कहीं पे आएगा पेरू करंट, कहीं पे लिखा हुआ है अगुहलास करंट, कहीं पे नाम आता है अलनीनो की धारा। अब इस तरह के जो करंट है इसको रटने अगर आप लगे तो रटेंगे तो रटते ही रह जाएंगे। इनको भी हम लोग एक बार इनके सर्कुलेशन को देख लेते हैं, अगर कैसे ये फ्लो हो रहा है तो पूरी कहानी जो है फिल्म की तरह आपको पूरे जो आपके कहे तो उसके दिमाग में वो छप जाता है। ओशनोग्राफी
इसके बाद एक और सेक्शन आता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो देखो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो सेक्शन है इसको कुल मिला के एक्सक्लूड कर दिया गया है और एक सेपरेट जो टॉपिक है उसके रूप में रखा गया है। उसका एक कारण रीजन ये है मेन कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, अब ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी पेपर साथ में अटैच कर दिया गया है। दैट्स वाई एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हैज बिकम अ सेपरेट सेक्शन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, और मेंस में भी इसको अलग जगह दिया गया है। तो हम जब एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करते हैं तो इसको ज्योग्राफी से एक्सक्लूड करके और इसके डेप्थ में जाके करना पड़ेगा। वहाँ पे जितने भी आपके अभयारण्य वगैरह हैं, सेंचुरी हैं, वर्ल्ड सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क हैं, उनको डिटेल में देखना है और उसके फंडामेंटल को। ज्योग्राफी का जो वर्ल्ड का सेक्शन है उसमें दूसरा पार्ट जाता है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें आपका इंडस्ट्री है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें आपका सेटलमेंट है। तो ये सारे टॉपिक से जो है मोर और लेस क्वेश्चन जो है, समझो इसका ओवरऑल अगर हम परसेंटेज कहें तो 5 से 10% इसमें बनते हैं, इसमें ज़्यादा इसको नहीं रहता है। हाँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पे जो है वो सपोर्ट देते हैं जब आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी मैप को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाए कि द सिटी भी, जैसे डिट्रॉइट इज फेमस फॉर व्हाट, तो डिट्रॉइट किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ देखिए डिट्रॉइट का एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है और वो है उसका मोटर इंडस्ट्री। सो अगर आपको पता है कि डिट्रॉइट इज फेमस फॉर विच इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन यू कैन इजीली सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल नॉट सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसी तरह से आपको पूरा करना है। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन आता है वो है इंडियन ज्योग्राफी। अब देखो प्रीलिम्स में इंडियन ज्योग्राफी से जो वेटेज है इसका, वो कुल मिला के अगर देखें तो ज़्यादा पोर्शन यही कवर कर रहा है मैप और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इनका जो सेक्शन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, वो कम होते जा रहे हैं, और वहाँ भी कुछ खास फोकस एरिया को रखा गया है। जैसे ज्योग्राफिकल रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन जैसे 5 रीजन दिया गया, ग्रेट हिमालयन रीजन, ग्रेट प्लेन है, इंडियन पेनिनसुला, कोस्टल पार्ट और दूसरा आइसलैंड सबसे लास्ट का। तो जो पूरा पार्ट आया है उसमें देखें तो हिमालयन रीजन से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल दे कैन आस्क जो एक क्वेश्चन है नामचा बरवा, तो नामचा बरवा पिक इंडिया में लोकेटेड है और आउटसाइड इंडिया, तो ये आपको इसी ज्योग्राफिकल रीजन से पता चलेगा कि हो क्या रहा है। इसी से क्वेश्चन बना रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। अब इसी में देखो कई बार क्वेश्चन बना है कि नर्मदा और तापी जैसी जो नदियां हैं उनका अगर फ्लो देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई पड़ता है। नर्मदा और तापी कुछ इस डायरेक्शन में अरेबियन सी की ओर जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया फ्लोइंग टूवर्ड अरेबिक ओशियन। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको देखिए केवल रटने से काम नहीं होगा, यहाँ पे इसके जो बेसिक कॉजेस हैं उसको समझना पड़ेगा, और वो आता है फॉल्टिंग। जो एक बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ था जिस समय हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, उसके कारण बहुत सारे फॉल्ट बने थे और उसके कारण ही 4-5 ऐसे रिवर हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो ये उसी का कोरिलेटेड पार्ट है। जब इस तरह से आपको एक्सटेंसिव स्टडी, देखो पढ़ने में ज्योग्राफी में बच के नहीं चलना है, और ना ही ये फैक्चुअल है कि केवल फैक्ट फैक्ट रटे। एक तरह से अगर आपने इसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा, थॉरली उन चीज़ों को देखा, तो ये क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं होने वाला है। अब आगे चलते हैं, इसके सॉइल से हमेशा क्वेश्चन बनता है। जैसे हमारे इंडिया में जो योजना आयोग की एक संस्था थी ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज क्लासिफाइड द सॉइल इन 8 डिफरेंट कैटेगरी। अब ये जो 8 टाइप हैं उसमें एलुवियल सॉइल है, इसमें जो है आपका ब्लैक सॉइल है, इसमें रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, बहुत सारे सॉइल हैं। अब इस सॉइल से जो क्वेश्चन बनता है उसमें 4-5 टाइप के बनते हैं, जैसे इनका एक्सटेंशन, एरिया ऑफ एक्सटेंशन क्या है, दूसरा इसमें जो है कौन कौन से मिनरल्स कंपोनेंट पाए जाते हैं, व्हाट मिनरल्स कंपोनेंट्स आर डिवाइड ऑफ देम, मतलब उसमें नहीं है डिवाइड,
अगला जो बनता है इसमें कि इसमें किस चीज की खेती होती है, जैसे देखो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कि जब हम बात करते हैं लेटराइट सॉइल की, तो लेटराइट सॉइल बहुत ही कम एरिया में कॉन्फाइंड है लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत वाइटल है। यहीं पे हमारे देश में जो हम लोग काजू खाते हैं, जो काजू, तो वो काजू इसी लेटराइट सॉइल में होता है। तो इस तरह के सॉइल का जिसका कुछ अपना यूनिकनेस है, उससे क्वेश्चन तो बनने की प्रोबेबिलिटी सब दिन रहेगी ही रहेगी। तो पढ़ते समय में भी या फिर इसको डिस्कस करते समय में भी जब इसको आसपास की चीज़ों से जोड़ेंगे तो अपने आप ध्यान रहेगा। एक बात और ध्यान रखना रखिए कि जो सिविल सर्विसेज है वो ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमी या हिस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि वो आदमी जो भारत का आदमी नागरिक है उसके जीवन को बेहतर बनाने की परीक्षा है। अगर आप उस चीज़ को ह्यूमन लाइफ से, ह्यूमन बेनिफिट से कोरिलेट करते हैं, उस समय में आप समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी दिशा में हो रही है। अगर कहीं पे क्लाइमेट पे कोई चेंज आ रहा है, कोई फैक्टर उसको प्रभावित कर रहा है, तो समझिए इस तरह के क्वेश्चन पे आपको यूपीएससी भी पूछेगा और फर्दर आप जो है फ्यूचर में भी इसको यूज में लाएंगे। अब आते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बाकी रिमेनिंग पार्ट पर, क्लाइमेट। क्लाइमेट में मानसून से हमेशा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है। मानसून एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत सारे फैक्टर इसको जो है इसके फॉर्मेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। और मानसून से देखो क्वेश्चन कई बार जैसे सीधा सीधा भी आ जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मानसून, तो अब इसमें जो है आपका जेट विंड भी है, जिसमें इंडियन ओशियन डाइपोल का भी आता है, इसमें जो है आपका वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम भी है, इसमें प्लेटू ऑफ तिब्बत का रोल भी है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ टॉपिक इन होलिस्टिक मैनर। इसको अगर हम लोग छोटे से या कम सब्जेक्ट में लेके चलेंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ समझते हुए विथ अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ना होगा। अब दूसरा जो सेक्शन इंडियन ज्योग्राफी का है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर का सेक्शन। अब देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में कुछ ट्रेडिशनल बातें पूछी जाती हैं, नई बातें, या तो नई बातों में जो सेक्शन जुड़ा है तो उसको एक क्लियर कर लीजिए कि नई बातें जो जुड़ेंगी वो जुड़ेंगी इकोनॉमी के सेक्शन में, क्योंकि इकोनॉमी जो आ रहा है वो भी एक तरह से एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड हो जाता है। ट्रेडिशनल बातें जैसे कॉटन इंडस्ट्री, जैसे मान लो कपास का क्षेत्र है, गेहूं का क्षेत्र है, हरित क्रांति कब आई, श्वेत क्रांति कब आई, श्वेत व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन, और मान लो ब्लू रेवोल्यूशन है, तो इन सब से क्वेश्चन बनेगा एग्रीकल्चर बेस्ड से। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी इसी से कुछ कुछ आते हैं, इंडस्ट्री वगैरह पे पूछा जाता है, बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, खासकर सारे इंडस्ट्रियों में कुछ इंडस्ट्री जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसे टाटा के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपका टाटा स्टील प्लांट जो टिस्को बना था, इट वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वॉज सेटअप इन 1907 में वो बन चुका है। तो उसका जो लोकेशन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इंडस्ट्री जो है वो फॉलो करता है वेबर के जो एक ट्रायंगुलर थ्योरी आती है उस पे बेस्ड है, उसका एक मार्केट वगैरह सारा कुछ, तो वहाँ से भी कोरिलेट करके आता है। विशाखापट्टनम है या सलेम है, कहाँ से मान लो उसमें पूछा जाएगा कि कहाँ से ये जो है कोयला ला रहा है, कहाँ से ये आयरन ओर ला रहा है, कहाँ इसका मार्केट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रेडिशनल क्वेश्चन में आती है। इसके बाद जो प्रीलिम्स का ये पूरा सेक्शन देखते हैं, इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि इसके बाद कुछ करंट में, मान लो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है एक डिटेल प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उसका एक नाम हुआ जैसे मान लेते हैं डीप ओशियन माइनिंग डोम प्रोजेक्ट। अब ये डोम प्रोजेक्ट जो है सीधा सीधा लग रहा है कि नहीं, ये तो इट इज एसोसिएटेड विथ साइंस एंड टेक, लेकिन बात यह है कि ये जुड़ा हुआ है इंडियन ओशियन के मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने से, उसे निकालने से। तो इंडियन ओशियन का जो इम्पोर्टेंस है वो एक तरह से ज्योग्राफी में भी आता है, और इंडियन ओशियन ऐसा ओशियन है जिसके बारे में आपको यहाँ इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखना भी पड़ता है। तो कुल मिला के करेंट में जैसे इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आए, या मान लो सागरमाला प्रोजेक्ट आए, या रोड डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट आए, तो वो प्रोजेक्ट सब भी जो है करेंट वाले एक तरह से ज्योग्राफी के ही पार्ट होते हैं। एंड यू हैव टू प्रिपेयर सच टॉपिक अंडर ज्योग्राफी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। तो यहाँ पे तैयारी आपकी करेंट और बेसिक दोनों मिला के चलेगी।
बेसिक पे प्रीलिम्स में ज़्यादा आ रहे हैं, करेंट बेस्ड पे कम आ रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा सीमित भी करना पड़ेगा। मेंस का जो पार्ट है वहाँ पे देखिए, मेंस का भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, आगे भी इसके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो मेंस के पार्ट में दो पार्ट में इसको देख सकते हैं। जो मेंस ज्योग्राफी का सेक्शन आता है वो आता है जीएस पेपर 1 में, पूरा पेपर 1 का पार्ट ही इससे जुड़ा हुआ है। पेपर 1 में अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम ज्योग्राफी, केवल 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी में आ रहे हैं, और वो भी आ रहे हैं, वो मोटा मोटी जो आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओसनोग्राफी से, जो पिछला ट्रेंड रहा। जैसे उन्होंने पूछा, डिस्कस द काउज एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ ओशियनिक करेंट, इसमें पूछा, उसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बहुत बार पूछा है कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड मैसिव अर्थक्विक ऑफ जापान एंड फिलीपाइन। तो यहाँ जापान और फिलीपींस में जो ज़्यादा ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं उससे भी क्वेश्चन बने हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इसको फोकस ज़्यादा किया है। रिसेंट ट्रेंड ये रहा है पिछले 1-2 सालों से कि उन्होंने इंडियन ज्योग्राफी के भी कुछ सेक्शन पे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। अब इंडियन ज्योग्राफी पे जो प्रश्न प्रश्न पूछा है वहाँ पे एग्रीकल्चर वाला जो सेक्शन है इसको इन्होंने मेंस में 1-2 क्वेश्चन इस पे रखा गया है, और वो भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, करेंट से जोड़ के नहीं बना हुआ है। तो वहाँ ज्योग्राफी एक तरह से समझो कि जो भी ट्रेडिशनल अप्रोच है ज्योग्राफी का, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और दूसरा एक सेक्शन इन्होंने ज्योग्राफी में मेंस में इंट्रोड्यूस किया है, उसको है इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इस सेक्शन को भी क्या कर रहे हैं कि वो मेंस वाले ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन में लेके चल रहे हैं।